दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा एक्सप्रेसवे के कई राज्यों को मिलेगा इससे फायदा, सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विश्वास। त्रिपुरा में विरोधियों पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा त्रिपुरा को कैडर राज्य से दिलाई मुक्ति, डबल इंजन की सरकार से हुआ विवाद। देश के 13 राज्यों में राज्यपाल बदले, कोश्यारी की जगह रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, कटारिया असंतो, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल के नए राज्यपाल। बंगाल में बीजेपी कमीशन पंचायत, जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर हमला, बोले दीदी को आराम दो, बीजेपी को काम दो। दिल्ली में 16 फरवरी को होगा एमसीडी मेयर का चुनाव, एलजी वीके सक्सेना ने नई तारीख का किया ऐलान, 3 बार टल चुका है मेयर का चुनाव। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा दयानंद जी ने समाज को दिखाई नई दिशा, सामाजिक विकृतियों को किया दूर। जमीयत अधिवेशन में अरशद मदनी के बयान पर बवाल, जैन मुनि लोकेश ने मदनी की बातों को बताया बेबुनियाद, हिंदू सिख जैन धर्म गुरुओं ने छोड़ा मंच। महमूद मदनी के इस्लाम वाले बयान के समर्थन में उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा हिंदू धर्म से भी पुराना है बौद्ध धर्म, वाराणसी में स्वामी पर स्याही फेंकने की कोशिश। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आखिरी दिन आज पार्टनर देशों के साथ आयोजित किए जाएंगे 11 सेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे समिट का समापन। सीएम योगी ने इटली और यूके के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, बोले यूपी में होने वाले हर निवेश होगा सुरक्षित।